जय हिंद दोस्तों, मैं खड़ा हूं अभी यहां पे साइनी का फिजिकल होने वाला दुर्ग रेंज का। इस ग्राउंड में, इस जगह पे दो ग्राउंड है, एक इधर है और एक उस तरफ है जहां पे लगभग दुर्ग रेंज के सर्वाधिक जो छात्र है 21,140 के आसपास, उन सभी क्या होने वाला है इस ग्राउंड में फिजिकल होने वाला है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रायपुर रेंज का जो स्वामी विवेकानंद कोटला का जो ग्राउंड है उसके बाहर में कुछ सूचनाएं चिपकाई गई थी, कुछ आदेश चिपकाए गए थे जिसमें ऐसा लिखा गया था कि 2 जनवरी से लेकर फरवरी तक की कुछ डेट है वहां पे ग्राउंड में प्रवेश निषेध है और वहां फिजिकल लेने की तैयारियां चल रही थी। तो यहां पर भी दो ग्राउंड है, सवेरे के लगभग 7 बजे हुए हैं। तो ये जो आपको मेरे पीछे देख पाएंगे जो निर्माणाधीन आपको गेट दिख रहा है, ये है फर्स्ट ग्राउंड है उसका मेन गेट, ठीक है। तो आइए चल के देखते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे दीवारों में ऐसा कुछ सूचना वगैरह है क्या कि संबंध में कि यहाँ फिजिकल होने वाला है या फिजिकल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, मेन गेट है फर्स्ट ग्राउंड का, ठीक है, और जो अभी की निर्माणाधीन है और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नोटिस नहीं लगा हुआ है कि इस ग्राउंड पे कि कब से फिजिकल होने वाले हैं या कोई सूचना इन्हें प्राप्त हो गई हो जो 4 जनवरी को फिजिकल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे इस जो ग्राउंड स्टाफ है और जो यहाँ बटालियन में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन और कुछ अधिकारियों से भी मैंने बात करी है अंदर जा करके और वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन भी ली है, तो उन्होंने बताया है कि ग्राउंड वगैरह तैयार है लेकिन क्या है कि अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड होते हैं और सभी को दिनांक तारीख दी जाती है तो ज़रूर से ज़रूर 4 जनवरी को फिजिकल यहाँ पर स्टार्ट होने की पूरी तैयारियाँ बनी हुई हैं। और आइए चलते हैं ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर भी आपको दिखाता हूँ वहाँ पर किस प्रकार से ग्राउंड बने हुए हैं। दोस्तों ये जो ग्राउंड का जो मेन गेट है, ये परेड ग्राउंड जो छत्तीसगढ़ का प्रथम वाहिनी व बटालियन है, ये ग्राउंड नंबर 1 का मेन गेट है और इसको आप देख सकते हैं ये अभी बंद है क्योंकि अभी इसमें 4 जनवरी से फिजिकल होने की संभावना है। यहाँ के जो लोग हैं उनको भी कंफर्म पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है तो बिल्कुल ये भर्ती 4 जनवरी से बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। ये ग्राउंड रेडी है, अंदर में लोग खेल रहे हैं और क्रिकेट की एक्टिविटी चल रही है। ये ग्राउंड नंबर 1 का मेन गेट है जो अभी क्या बंद है। इसके उधर अगर आप लोग देखेंगे तो उधर अंदर जाने का रास्ता और है लेकिन अभी वहाँ पे हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। दोस्तों अब मैं ग्राउंड के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे ये ट्रैक बना हुआ है जहाँ पे रनिंग वगैरह फिजिकल लिया जाएगा। आप लोग देख पाएंगे जो मेरे पीछे का जो एरिया है वहाँ पे अभी क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वो ड्यूस बॉल से क्रिकेट की यहाँ प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये मैदान पूरा लगभग देखा जाए तो ये तैयार ही है मैदान फिजिकल लेने के लिए पूरी तरह से, लेकिन इसमें क्या है कि इनको भी पता नहीं है कि डेट कब आएगी इसका और कब फिजिकल इसका लिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस चल रही है, बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे बीच में जो स्टेज बना हुआ है वो पूरा स्टेज है वो भी बना हुआ है। उसके बाद ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे नेट वगैरह लगे हुए हैं क्रिकेट वालों के लिए। और ये जो ट्रैक दिख रहा है ये आपको ट्रैक है 500 मीटर का, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रैक है ये 500 मीटर का पूरा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं ग्राउंड 2 के मेन गेट से, जो मेन रोड में आप आगे की ओर जाएंगे तो आप पहुँचेंगे ग्राउंड 2 की ओर। तो हम लोग उस तरफ से और प्रस्थान कर देते हैं और चलते हैं ग्राउंड 2 की तरफ। रोड है उसी में आगे जाएंगे तो आपको जो ग्राउंड 2 है वहां पे भी घुसने का रास्ता मेन गेट मेन रोड से भी मिल जाएगा और आपको वहां पे जाने का रास्ता जो है वो अंदर से भी मिल जाएगा। ये हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड 2 में। ग्राउंड 2 की भी तैयारियां देखें, यहाँ पे तैयारी ट्रैक बने हुए हैं, लोग थोड़े से एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दुर्ग में जो फिजिकल होगा वहाँ पे 2 ग्राउंड है, एक ग्राउंड मैंने आपको दिखाया और हम पहुँच चुके हैं दूसरे ग्राउंड के जो मेन रोड से जो मेन डोर का एंट्रेंस है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इसके अंदर भी चल के देखेंगे और सेकेंड ग्राउंड भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेन गेट है सेकेंड ग्राउंड का और यहाँ से हम लोग क्या होने वाले हैं अभी अंदर की ओर जाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राउंड 2 के अंदर में। मेरे एक तरफ इधर जो पूरा एरिया है ये पूरा ग्राउंड 2 का एरिया है, इसके बाहर से 2 ट्रैक इसमें बने हुए हैं और अंदर पूरा ये ग्राउंड है जहाँ पे अभी भी लोग क्या कर रहे हैं कुछ फिजिकल कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी लोगों को, देखिए यहाँ पे लोग अंदर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और ये ग्राउंड 2 है, ठीक है। और मेरे जो इस तरफ भी देखिए यहाँ पे कुछ कोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है ना। तो कहना जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ग्राउंड है वो ऑल टाइम यहाँ पे लगभग रेडी होते हैं, ऑल टाइम रेडी रहते हैं इन द सेंस कि यहाँ पे ट्रैक वगैरह बने रहते हैं, ग्राउंड सही रहता है। बस यहाँ पे जो भर्ती तैयारियाँ होती हैं तो उसके लिए अलग से टेंट वेंट लगाना पड़ता है, अधिकारी जो आते हैं कैमरा वगैरह लगेंगे या जो और भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर अलग से लगाए जाते हैं।
तो लगभग देखा जाए 4 जनवरी को फिजिकल होने की क्या चांसेस हैं। तो दोनों ग्राउंड मैंने आपको दिखाया, इसमें ग्राउंड को रेडी होने के लिए कोई अधिक समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ जो दुर्ग रेंज का जो दोनों ग्राउंड है, दोनों ग्राउंड के जो मेन गेट पर है, यहाँ पर रायपुर रेंज के समान कोई भी सूचना या कोई भी नोटिस नहीं चिपकाई गई है गेट पे कि 4 जनवरी से फिजिकल होने वाले हैं। लेकिन आपको कम से कम 4 दिन पहले, लगता है 31 दिसंबर तक आप लोग को बिल्कुल यह मान के तैयारी अपनी जारी रखनी पड़ेगी कि 4 जनवरी से बिल्कुल फिजिकल हो सकते हैं और बिल्कुल भी लूज नहीं होना है। उसके बाद अगर मैं इसके आगे की बात करूँ, यहाँ पर मैंने जो बात करी है उन लोगों ने बताया है कि अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि फिजिकल लेना है, लेकिन जो पहले आदेश आया था कि 4 जनवरी से फिजिकल लेंगे, उसके लिए ये लोग तैयार हैं कि अगर आपको डेट दी जाती है तो 4 जनवरी से निश्चित रूप से दोनों ग्राउंड में फिजिकल होंगे। ग्राउंड वन में पहले फिजिकल होंगे कुछ समय तक, उसके बाद ग्राउंड टू में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो दोनों ग्राउंड में फिजिकल होंगे लेकिन पैरेलल में अभी नहीं होंगे, मतलब पहले ग्राउंड वन में स्टार्ट होंगे, 1-2 हफ्ता चलेंगे वहाँ पर, उसके बाद जो है वो ग्राउंड टू में भी फिजिकल लेना स्टार्ट होगा। इसका जो पूरा सूची है वो पहले ही मैंने आपको वीडियो पर डाला हुआ है और वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। और फिर जब दिवसवार आपको फिजिकल की डेट आएगी उस समय भी आपको ये बिल्कुल डिसाइड रहेगा कि किस दिन जाना है और कौन से ग्राउंड में क्या है आपका फिजिकल होने वाला है। तो मॉर्निंग में मैं उठा हूँ और इतना दूर अपने रेंज पे ग्राउंड पे आया हूँ और आप सभी लोग के लिए मैंने जानकारी बनाई है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं दुर्ग रेंज से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, दुर्ग में मेरा घर है। तो और दुर्ग रेंज में सर्वाधिक अभ्यर्थी जो 21,000 के आसपास सभी दुर्ग रेंज में ही आते हैं, तो बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिए और लगभग 4 दिन पहले तक, 31 दिसंबर या मैं कहूँ 1 जनवरी तक बिल्कुल इंतजार कीजिए कि डेट आएगी और 4 जनवरी में सिर्फ फिजिकल हो सकते हैं। अगर डेट नहीं आती है, फिजिकल नहीं होते हैं, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आगे की जानकारी और दूंगा कि क्या कारण हो सकते हैं क्या कारण नहीं हो सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों ये ग्राउंड टू है जिसका मैंने वीडियो आपको ये दिखा रहा हूँ, है ना, और इस वीडियो में दोनों ट्रैक, ये फर्स्ट ट्रैक है और ये दूसरा वाला जो सेकंड ट्रैक है और ये अंदर में जो ग्राउंड है, ये दोनों ग्राउंड जो है पूर्णतः रेडी है और इसमें फिजिकल लेने की पूरी तैयारी है। यहाँ